यूपी की शामली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और मादक पदार्थ के साथ डोडा पोस्त को बरामद करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इनसे कुछ और भी खुलासा हो सके। बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मानकर चल रही है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इन आरोपियों को जरा ध्यान से देखिए, ये वही आरोपी हैं जो न जाने कितने समय से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आज भी ये आपराधिक मादक पदार्थ के साथ डोडा पोस्त को बेचने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते बड़ी कार्रवाई की और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस सफलता से गदगद एसपी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस लगातार ऐसे कार्रवाइयों को अंजाम देती रहेगी या फिर इस सफलता से ही अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। माल बरामद हुआ है, ये शामली जनपद की पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उत्तर प्रदेश में अब तक की जानकारी के मुताबिक ये सबसे बड़ी बरामदगी है। अब तक तकरीबन 2000 किलोग्राम यानी कि 20 क्विंटल से ज़्यादा का डोडा पोस्त हमारी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें कल देर रात सूचना मिली थी और उस पर हमारी ओपी चौधरी जो हैं थाना झिंझाना के प्रभारी और उनकी टीम ने मिल करके सफलता पाई है। इन्होंने मौके पर पहुँच करके एक ट्रक 10-12 ट्रक है उसको कब्ज़े में लिया, एक आल्टो कार है उसको कब्ज़े में लिया और 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्ज़े से तकरीबन 20 क्विंटल डोडा पोस्त, उसमें पाउडर और कॉफी स्ट्रॉ ये सब शामिल है। एक बड़ा अमाउंट जो आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है वो बरामदगी हुई है। इसका जो ट्रक का चालक था वो भागने में सफल रहा। ढाबे का जो मालिक है, जिस ढाबे पर बरामदगी हुई है उसका मालिक भी यानी कि जो चलाता था वो भी भागने में सफल रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें एक ट्रक का कंडक्टर शामिल है, 2 लोग कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले के निवासी हैं, शाहबाद थाना अंतर्गत, जो आल्टो कार में सवार थे और इस पूरे कंसाइनमेंट को 2 कट्टा जिसमें बता रहे हैं इस अमाउंट को ले जा रहे थे कुरुक्षेत्र, उसमें ये वहाँ पर पकड़े गए हैं। साथ ही साथ जो ढाबे के पर काम करने वाले थे 2 लोग वो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और एक ट्रक का है। इस प्रकार से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से भारी मात्रा में डोडा पोस्त या ओपीएम का जो ये प्रोडक्ट है, इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए मार्केट में आँकी जा रही है। 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा कीमत का ये मादक पदार्थ NDPS हमारी पुलिस ने बरामद किया है और इस पूरे तस्कर गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये पूरा कंसाइनमेंट या ट्रक ये अहमदाबाद से चला था और उदयपुर जो बीच में पड़ता है, उदयपुर में एक ढाबे पर, सुनसान जगह पर ढाबा है, जहाँ से ये पूरा अमाउंट तकरीबन 20 क्विंटल डोडा पोस्त ये वहाँ पर लोड किया गया था और जगह जगह सप्लाई देते हुए ये शामली में जाकर के गिरफ्तार किए गए हैं। शामली पुलिस की तत्परता से ये गिरफ्तारी हुई है और एक ढाबे पे यहाँ सप्लाई कर रहे थे उसमें ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ जो फुटकर में बेच रहे थे, कार के द्वारा, आल्टो कार के द्वारा कुरुक्षेत्र ले जा रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगाई गई है और इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए हमने अपनी झिंझाना पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम दिया है और साथ ही उच्च अधिकारियों को और अधिक इनाम देने के लिए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी बरामदगी में शुमार हो रहा है, तो उसके लिए हमने रिपोर्ट भेज रहे हैं और इसमें पूरे टीम को उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित किया जाएगा और ये इस पर हमें बहुत खुशी है। और निश्चित रूप से यहाँ पे नशे के सौदागरों में हड़कंप है और नशे के इसमें खिलाफ जो हमारी मुहिम काफ़ी दिनों से चल रही है उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इसमें ज़रूर शामली जनपद जो कि नशे से प्रभावित हो रहा था उसमें कमी आएगी। सर, इन पर जो ये पकड़े गए हैं इन पर कोई आपराधिक इतिहास वगैरह कुछ निकाला गया है सर? इनमें जानकारी से जो पूछताछ में आई है कि ये पहले भी इस तरह का कुकृत्य करते रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं गए थे। बाकी इनके चूँकि अंतर्राज्यीय गैंग है तो करनाल, कुरुक्षेत्र और राजस्थान के उदयपुर में और हमारे मेरठ, गाज़ियाबाद इत्यादि जगहों से इनके आपराधिक इतिहास तलाशे जा रहे हैं, उसके लिए रिपोर्ट भेजी गई है और शाम तक ये पूरा डिटेल हमें हासिल हो जाए।
शामली पुलिस ने करोड़ों के मादक पदार्थ के साथ 5 मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पुलिस ने करोड़ों का मादक पदार्थ सहित एक ट्रक और एक कार को किया बरामद। पुलिस ने पकड़े गए सभी तस्करों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन उमर खान के साथ नौशाद राणा की रिपोर्ट, जिंजाना, शामली, CMN न्यूज़।